तो चलिए आज हम जानेंगे कि लेंस किसे कहते हैं और लेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेंस के कितने प्रकार होते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, लेंस किसे कहते हैं तो देखिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, दो सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। ठीक है, दो सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दो सतहों से घिरा हुआ है। ठीक है, इस पारदर्शी माध्यम को हम क्या कह रहे हैं? लेंस कहते हैं। ठीक है, इस पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। उसके बाद आप लोग जान गए कि दो सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। उसके बाद जानेंगे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक में उत्तल लेंस और दो में आउटर लेंस। एक में उत्तल लेंस, दो में आउटर लेंस। ठीक है, और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उत्तल लेंस किससे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, वैसा लेंस, उत्तल लेंस किससे कहते हैं? वैसा लेंस जिसका सतह उभरा हो अर्थात मोटा होता है, वैसा लेंस जिसका सतह उभरा अर्थात मोटा होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को चित्र में दिखाई दे रहा है कि उत्तल लेंस मोटा अर्थात उभरा है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं? वैसा लेंस जिसका सतह उभरा हो अर्थात मोटा हो उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। उसके बाद जान लेते हैं कि आउटर लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, वैसा लेंस जिसका सतह ढांसा अर्थात पतला हो, वैसा लेंस जिसका सतह ढांसा अर्थात पतला हो उसे हम आउटर लेंस कहते हैं। आप लोगों को चित्र में दिखाई दे रहा है कि आउटर लेंस कैसा है? ढांसा है, मतलब बीच में ढांसा हुआ है, उसी को हम आउटर लेंस कहते हैं। और एक और क्वेश्चन, आप लोगों से कोई भी पूछे कि हमारे आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, ठीक है, कौन सा लेंस होता है, तो कहिएगा उत्तल लेंस, क्योंकि हमारा आंख किस तरह का है? उभरा हुआ है। ठीक है, ऊपर की तरफ, इसलिए इसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। समझ गए आप लोगों को? तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।